हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याजों का ब्याज। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन द्वारा समझेंगे। एक क्वेश्चन है, 500 रुपये का 2 वर्ष में 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन दोनों हल करने के लिए कह रहा है। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूला द्वारा बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन है, 500 रुपये का 2 वर्ष में 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे दिया है, यानी इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके हल में दिया है। तो इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले 500 रुपया, यानी 500 रुपया क्या है, मूलधन है। मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं, पी से होता है प्रिंसिपल। तो यानी लिख देंगे यहाँ पर मूलधन, यानी इसे क्या पी से सूचित करते हैं, तो कितना दिया है, 500 दिया है। तो 500 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, 2 वर्ष, यानी समय कितना दिया है, 2 वर्ष। तो लिख लेंगे समय, समय को हम टी से भी सूचित करते हैं या एन से भी सूचित करते हैं। तो समय कितना दिया है, 2 वर्ष, तो लिख देंगे 2 वर्ष। फिर उसके बाद यहाँ पर दर दिया है 10%, तो दर लिख देंगे। दर को हम आर से सूचित करते हैं, आर से रेट होता है, तो कितना दिया है, 10%। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप लिख लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सी आई द्वारा सूचित करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें ज्ञात करना है, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मिश्रधन, मिश्रधन को हम अमाउंट यानी ये से सूचित करते हैं, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी सी आई। तो इसे हम फार्मूला द्वारा बनाएंगे। तो इसका फार्मूला होता है सी बराबर पी बड़ा कोष्ट, फिर छोटा कोष्ट, 1 प्लस आर बटे 100, और फिर छोटा कोष्ट में पावर एन हो जाएगा और -1, फिर बड़ा कोष्ट। जिसको हम लिख कर हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सी आई बराबर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बड़ा कोष्ट फिर छोटा कोष्ट, 1 प्लस आर बटे 100 और इसका पावर एन, फिर -1, फिर कोष्ट के अंदर। अब इस पर हम सभी को रख कर हल करेंगे। अब इस पर सभी के मानों को रख देंगे। तो यहाँ पर पी, तो इसमें देख लेंगे पी कितना दिया है, 500, तो 500 को रख देंगे। और उसके बाद फिर कोष्ट से घेर देंगे, फिर छोटा कोष्ट, 1 के 1 प्लस और आर कितना दिया है, आर यहाँ पर दिया है दर 10%, तो 10 को लिख देंगे और बटे में 100 और इसका पावर एन, एन यानी टी दोनों एक समान होता है, दोनों को एन या टी समय से सूचित करते हैं, 2 वर्ष है, तो यहाँ पर 2 को लिख देंगे, फिर -1 और कोष्ट के अंदर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक शून्य कट जाएगा, तो 1/10 बचेगा। फिर इसको ऐसा ही लिख देंगे 500, इसे आप लिख देंगे 500, फिर कोष्ट से घेर देंगे, फिर छोटा कोष्ट 1। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 10 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, यानी इन दोनों को बटा का जोड़ बना लेंगे। तो 10 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 से 10 में भाग देंगे, तो 10 मर्त में भाग लगेगा, तो फिर 10 में 1 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और प्लस फिर 10 में 10 से 10 में भाग देना है, तो 1 मर्त में जाएगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। फिर से कोष्ट के अंदर कर देंगे और इसका पावर 2 है, तो 2 को लिख देंगे और -1, फिर कोष्ट के अंदर कर देंगे। फिर उसके बाद अब इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 500, फिर कोष्ट छोटा कोष्ट और 10 और 1 11 हो जाएगा और बट्टे में 10 हो जाएगा, इसका पावर कितना है, 2 और -1। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ पर लिख देंगे 500 और यहाँ पर कोष्ट से घेर देंगे।
अब 11 का स्क्वायर भी है और 10 का स्क्वायर भी है, तो दोनों का स्क्वायर को लिख लेंगे। तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और बटे में 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। और फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर कोष्ट के अंदर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 500, और 121 बटा 100 है, और माइनस एक का एल बटा का घटाव बना लेंगे। तो नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 100 और एक एलसीएम 100 ही हो जाएगा। अब 100 से 100 में भाग देंगे तो एक मर्त में भाग लेगा, तो एक में 121 से गुना होगा तो 121 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का माइनस लिख देंगे, और फिर एक से 100 में भाग देंगे तो 100 मर्त में भाग लेगा, और 100 में एक से गुना करेंगे तो 100 ही हो जाएगा। फिर कोष्ट के अंदर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इसे लिख देंगे 500, और 121 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा है तो गुणा को लिख देंगे, और 121 में से 100 को हटाएंगे तो 21 बचेगा, और बटे में 100 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 21 पचे 105 हो जाएगा। यानी हमारा सी आई जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है 105 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 105 हो गया। और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज और इसका मिश्रधन भी ज्ञात करना है। मिश्रधन यानी ए से अमाउंट होता है, जिसे ए से सूचित करते हैं मिश्रधन को, तो इसको बगल में बना लेते हैं। तो मिश्रधन बराबर भी एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को रख कर हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन को हम ए यानी अमाउंट से सूचित करते हैं, सॉरी मिश्रधन को ए यानी अमाउंट से सूचित करते हैं, और मूलधन को पी प्रिंसिपल यानी पी से सूचित करते हैं, और प्लस चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी आई से सूचित करते हैं। तो हमें ए यानी मिश्रधन निकालना है, तो लिख देंगे, और पी यानी प्रिंसिपल मूलधन हमारा कितना दिया था, 500 दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मूलधन 500 दिया है, तो इस मूलधन को क्या करेंगे, पी के स्थान पर लिख देंगे तो 500 हो जाएगा। फिर प्लस, और यहाँ पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 500 आया है, 105 आया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को 500 प्लस 105 कर देंगे, तो हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन जो है इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 605। यानी अमाउंट जो अमाउंट हमारा हो जाएगा 605 आंसर। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।